मैं आपको यहां बता रहा हूं और सीधी बात कर रहा हूं, हम बीजेपी को, आरएसएस को असम की हिस्ट्री, भाषा, संस्कृति पर आक्रमण नहीं करने देंगे। असम को नागपुर नहीं चलाएगा, असम को आरएसएस के चड्डी वाले नहीं चलाएंगे, असम को असम की जनता चलाएगी। यहां से स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों और असम के भाई बहनों को मैं यहां इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। मुझे याद है 2019 के आने से, सरकार बनने से पहले वाले चुनाव में मैंने अपने हर भाषण में कहा था कि अगर असम में बीजेपी सरकार बनाएगी तो जो शांति है, प्रगति है, भाईचारा है, वो खत्म हो जाएगा और असम में एक बार फिर अहिंसा होगी। हर भाषण में मैंने कहा था और आज मुझे ये बात दोहराने पर दुख हो रहा है, क्योंकि यही सच साबित हुआ। असम से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं स्टेट से आपको कहता हूं, पहली बार मैं यहां 15-16 साल पहले आया था और उस समय मुझे असम की संस्कृति, असम के विचार, असम के महापुरुषों के बारे में कुछ मालूम नहीं था। आपसे मिला, आपने मुझे शंकर देव जी के बारे में बताया, बाकी महापुरुषों के बारे में बताया, असम की हिस्ट्री के बारे में बताया और मुझे यह नहीं कहता हूं कि बहुत कुछ असम के बारे में पता लगा, मगर जो आपकी नींव है वो मुझे समझ आई और जो आपने मुझे सिखाया भाईचारे के बारे में, एक दूसरे की इज्जत के बारे में, सबको लेकर चलने के बारे में, वो मैंने आपसे सीखा और बाकी प्रदेशों में भाषणों में मैं जो आपने सिखाया बोलता हूं। मैं कहता हूं असम की ओर देखिए, अलग अलग विचारधाराएं, पहले हिंसा हुआ करती थी, पूरा प्रदेश एक हुआ, अहिंसा के पथ पे चला, शांति आई, तेजी से प्रगति आई। और आज मैंने यहां श्रद्धांजलि दी
असम के बेटों के लिए, और मुझे दुख हो रहा है, डर लग रहा है कि एक बार फिर यह प्रदेश बीजेपी के कारण हिंसा के रास्ते पे आस्ते आस्ते फिर से लौट रहा है। मैं यहां आपसे राजनीतिक भाषण करने नहीं आया हूं, मैं यहां आपको बताने आया हूं खुशी में दुख में मैं आपके साथ खड़ा हूं, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अजीब सा लग रहा है, आपने मुझे बताया, आपने मुझे सिखाया, अजीब सा लग रहा है कि स्टेज से मैं कहूं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी शक्ति, आपकी एकता है, आपकी शक्ति आपके बीच में भाईचारा है, आपकी शक्ति आपके बीच में प्यार है। आप ये मत सोचो कि नफरत से, क्रोध से, गुस्से से असम आगे बढ़ेगा, हो ही नहीं सकता। आप सबको एक होना पड़ेगा और बीजेपी के नेताओं को बताना पड़ेगा कि आप हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारी हिस्ट्री पर आक्रमण नहीं कर सकते हो। हम सब एक हैं और हम सब एक साथ काम करेंगे। दो तीन चीजें बिल्कुल साफ हैं, असम में शांति आई, असम अकॉर्ड शांति की नींव थी, इस बात को आप मानते हैं? तो असम अकॉर्ड के स्पिरिट को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि असम अकॉर्ड ने असम को शांति दी और असम अकॉर्ड सबने मिलकर एक साथ तैयार किया था। पूरे देश में जहां भी बीजेपी जाती है नफरत फैलाती है। असम में युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी प्रदेशों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गोली मारने की क्या जरूरत, जान लेने की क्या जरूरत? मगर नहीं, जो जनता की आवाज है, युवाओं की आवाज है, माताओं बहनों की आवाज है, उसको बीजेपी के लोग सुनना नहीं चाहते हैं। आपकी आवाज से डरते हैं, उसको वो कुचलना चाहते हैं, युवाओं को मारना चाहते हैं। ये गलत तरीका है। अगर जनता के दिल में कुछ है और वो शांति से उस बात को कह रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको मारने की, पीटने की, गोली मारने की कोई जरूरत नहीं। प्यार से काम किया जा सकता है, प्यार से आवाज सुनी जा सकती है। और इस सब हिंसा का कारण क्या है, मेन कारण क्या है? जो पहले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 9% पे चलती थी, जहां पहले युवाओं को रोजगार मिलता था, जहां पहले देश के बारे में ओबामा कहते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते थे, हमारा तो मुकाबला अब सिर्फ हिंदुस्तान और चाइना कर सकते हैं, आज बीजेपी के लोगों ने उसी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। मजाक उड़ता है
45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। असम के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, मगर ना आपके चीफ मिनिस्टर ना प्रधानमंत्री रोजगार के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ कहते हैं। हिंदुस्तान की शक्ति है, पूरी दुनिया ने इस बात को माना कि हिंदुस्तान की शक्ति उसकी अर्थव्यवस्था है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करके, जीएसटी लागू करके भारत माता की शक्ति को नष्ट कर दिया, भारत माता पे चोट मारी, मगर इसके बारे में नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहेंगे। उनका काम सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को बांटने का है, नफरत फैलाने का है। प्रधानमंत्री जी, आप समझाइए, मेक इन इंडिया का क्या हुआ? आप बताइए, असम में कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितने युवाओं को रोजगार मिला? आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, कितनों को दिया? पूरा हिंदुस्तान जानता है। और आज हमारे युवा भटकते हैं, दिन भर रोजगार ढूंढते हैं। कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई है, नोटबंदी करनी है, पूरा का पूरा पैसा लेकर आपसे, आपको बैंक में खड़ा किया था, बैंक के सामने खड़ा किया था, धूप में बारिश में आप खड़े थे, आपके जेब में से पैसा निकाला, 3,50,000 करोड़ रुपए उन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को दिया है, 3,50,000 करोड़ रुपए। कुछ ही दिन पहले 1,40,000 करोड़ रुपए टैक्स माफ किया। मैं पूछता हूं, किसानों को आपने कितना कर्जा माफ किया? मैं पूछता हूं, आपने छोटे दुकानदारों का कितना कर्जा माफ किया? असम की जनता को समझना होगा, लक्ष्य यह है कि असम की जनता को लड़ाओ, हिंदुस्तान की जनता को लड़ाओ, और फिर पूरा का पूरा पैसा, पूरा का पूरा धन उन्हीं 15-20 उद्योगपतियों के हवाले कर दो। यह है नरेंद्र मोदी का काम। मगर असम अपनी संस्कृति को, अपनी हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह समझता है। असम की जनता जानते हैं कि एक साथ मिलकर प्यार से, भाईचारे से प्रदेश आगे जा सकता है। मैं आपको यहां बता रहा हूं और सीधी बात कर रहा हूं, हम बीजेपी को, आरएसएस को असम की हिस्ट्री, भाषा, संस्कृति पर आक्रमण नहीं करने देंगे। असम को नागपुर नहीं चलाएगा, असम को आरएसएस के चड्डी वाले नहीं चलाएंगे, असम को असम की जनता चलाएगी। यहां से हो ही नहीं सकता कि ये सोचें कि नॉर्थ ईस्ट की जो हिस्ट्री है, सिर्फ असम नहीं, पूरी नॉर्थ ईस्ट, ये सोचें कि नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री है, भाषाएं हैं, कल्चर है, कि 2 मिनट में हम इसको दबा दें, कुचल दें। इन्होंने आपको नहीं पहचाना, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नहीं पहचाना। हमने पार्लियामेंट में साफ कह दिया था कि
CAA के सामने हम खड़े हैं, इसको हम पास नहीं होने देंगे। हम नॉर्थ ईस्ट और असम की जनता पर आक्रमण नहीं होने देंगे, और जो भी हो मैं कहना चाहता हूं, जो भी हो, हिंदुस्तान के किसी भी सिटीजन को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी हिंदुस्तानी है, इस धरती का है, उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आपने यहां इतने प्यार से मेरी बात सुनी, दूर दूर से आप आए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। दिल में थोड़ा दुख है, मीटिंग के बाद मैं मार्टर्स के घर जा रहा हूं, उनके परिवार से मिलूंगा, गले लगूंगा। और मैं असम से कहना चाहता हूं, हिंसा से किसी का फायदा नहीं होने वाला, प्यार से, भाईचारे से सब काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। আমার আটাইরে প্রিয় নেতা রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ায় সহমর্মিতা প্রকাশ করি আমার ওচর দায়ী ধরা বক্তব্যর বাবে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। এতিয়া প্রদেশ কংগ্রেসের হয়ে শলাগর শরাই যাচিব আমার বিধায়িনী দলের নেতা দেবব্রত শইকীয়া ডাঙরিয়া। শ্রদ্ধেয় রাইজ, মাননীয় রাহুলজি, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপালজি আর শ্রী হরিশ রাওয়াতজি, অসমৰ সাংসদ শ্রী গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া, খালেক ডাঙরিয়া, শ্রীযুতা রাণী নৰ ডাঙরিয়ানী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সন্মানীয় গগৈ ডাঙরিয়া, ডক্টর বর্মন স্যার,